नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। रामपुर में वार्ड 2 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी इंद्रजीत कौर पति संतोष सिंह खेरा ने हाईकोर्ट की शरण ली है और न्याय की गुहार लगाई। भाजपा प्रत्याशी पति संतोष सिंह खेरा ने अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में पिटीशन डाली है कि रामपुर निर्वाचन और अधिकारियों ने मिलकर उनके साथ अन्याय किया है। वो वार्ड 2 से जीते हुए हैं और सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को अपने साथ हुए इस अन्याय के बारे में सबूतों के साथ वार्ता कर जानकारी दी है, साथ ही इंसाफ की गुहार लगाई है। अम्बेडकर नगर में देशी शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों में जिले के प्रभारी पूर्व जिला सूचना अधिकारी राम सुभग चौहान भी शामिल हैं। जलालपुर विधायक सुभाष राय ने पीड़ित परिवार की सुध लेते हुए इसके लिए पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत जनपद बलरामपुर से करते हैं और महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री काफी सख्त भी दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दबंगों के हौसले बुलंद नजर आते हैं। ताजा मामला बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर में से सामने आया, जहाँ 3 माह की गर्भवती महिला की बेरहमी से पिटाई की गई। मामला तुलसीपुर थाना क्षेत्र के नई बाजार का है। गर्भवती महिला के सिर और शरीर पर गहरे जख्म के निशान है। पिटाई का आरोप ससुराल वालों पर लगा है। पुलिस ने पति, सास, ससुर, देवर और ननद सीमा पर केस दर्ज किया है। वहीं 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर शहर में ऑक्सीजन किल्लत को समाप्त करने के लिए पुनः ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। ऑक्सीजन टैंकर लेकर कानपुर के जोही यार्ड में पहुंची ये ट्रेन। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से 20 पीस एमटी ऑक्सीजन के 2 टैंकर आए हैं। कुल 40 टन ऑक्सीजन लेकर पुनः ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है। कानपुर सहित आसपास जिलों को सप्लाई की जाएगी ऑक्सीजन। जूही इनलैंड कंटेनर डिपो से अन्य जिलों में भी सड़क के रास्ते ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। मथुरा के थाना नौजेल क्षेत्र में बीती रात सिद्ध स्थली झाड़ी हनुमान मंदिर पर अज्ञात बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने वारदात से पहले मंदिर पर रह रहे साधुओं को नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया और मंदिर के मुख्य महंत रामरतन दास महाराज जी की अलमारी में रखे 3 लाख रुपए चोरी कर लिया और दानपात से भी पैसे निकाल लिए और फरार हो गए। बदमाश इतने शातिर थे कि अपनी पहचान छिपाने को लेकर मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डिवाइस भी अपने साथ ले गए। पीलीभीत जनपद पहुंचे सांसद वरुण गांधी। स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द किए 100 ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना की दूसरी लहर के चलते ऑक्सीजन की कमी को लगातार पूरा किया जा रहा है। शहर के गांधी स्टेडियम में 100 ऑक्सीजन सिलेंडर को स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द किया गया है। सांसद वरुण गांधी ने अपने निजी खर्च से मुंबई से मंगाकर 100 ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप स्वास्थ्य विभाग को दी है। पीलीभीत जनपद में अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। प्रतापगढ़ में सोशल मीडिया पर वीड़ियो वायरल हुआ है, जहां भांग की दुकान की आड़ में गांजा बेचा जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप, जेठवाड़ा पुलिस की मिलीभगत से भांग की दुकान की आड़ में दबंग गांजा बेच रहे हैं। वीडियो में 10,000 रुपए किलो गांजे का रेट बताया जा रहा है। अब खबर गाजीपुर से है, जहां सेवराई गेमर थाना क्षेत्र के विभिन्न गंगा घाटों पर जल प्रवाह किए सैकड़ों शव किनारों पर लगे होने के कारण दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा गंगा में जल प्रवाह पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके लोगों द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान हुई मौतों और सामान्य निधन में भी जल प्रवाह कर गंगा को दूषित किया जा रहा है। संभल जनपद के थाना रजपुरा इलाके में 7 मार्च को एक किशोर निरेश हत्याकांड में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए घटना का अनावरण किया। पुलिस के अनुसार अवैध संबंधों को छिपाने के चक्कर में निरेश के चाकू से बोधकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया है। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के बांस पहाड़ी इलाके में रहने वाला भगवान दिन अपनी पत्नी जानकी के साथ सिद्ध बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए गया था। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया और विवाद इस कदर बढ़ गया कि पत्नी जानकी ने पहाड़ से ही छलांग लगा दी। विवाहितों द्वारा पहाड़ से कूदकर जान दिए जाने की सूचना पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, तो वहीं पुलिस को भी सूचना दी गई। घटना के बाद से आरोपी पति मौके से फरार है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मथुरा के बरसाना इलाके में कोरोना संक्रमण की रोकथाम करने के लिए समाजसेवी और केआरएस ग्रुप के चेयरमैन जयप्रकाश त्यागी ने बरसाना क्षेत्र को सैनिटाइज करवाया, जिसका शुभारंभ विनोद बाबा के कृपा पात्र पंडित बाबा ने अपने हाथों से किया। समाजसेवी द्वारा पहले लॉकडाउन में भी बरसाना और अष्टसखी गांव को सैनिटाइज करवाया गया था। गरीबों को राशन भी उपलब्ध कराया गया था। एक बार फिर से इस आपदा की घड़ी को देखते हुए समाजसेवी जयप्रकाश त्यागी मजदूर असहाय गरीबों के लिए खाद्य सामग्री वितरित करते हुए नजर आए हैं। यूपी की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।